हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी आपकी रसोई से। आज हम बनाने जा रहे हैं पार्टी स्टाइल मसालेदार डिलीशियस फ्राइड गोभी। इसमें हमने लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे हम एक अलग स्टाइल में बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो गोभी, चार बड़े साइज के टमाटर या 250 ग्राम टमाटर, आधा कप दही, जिन अदरक का एक छोटा पीस या 1 इंच, चार हरी मिर्चें। मसालों में हमें चाहिए एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, एक चौथाई छोटा चम्मच हींग, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। गोभी को हमने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। मैंने बड़े पीसेस में इसलिए कट करा है क्योंकि फ्राई होने के बाद गोभी थोड़ा पिचक जाती है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हमने थोड़ा सा तेल लिया है। इनको हम गोभी के पीसेस को शेलो फ्राई करेंगे। अब देखिए कि इन गोभी का गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब इन्हें एक प्लेट में किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए एक हम अलग से पैन लेंगे और उसमें 1 चम्मच, मैंने तो इसमें देसी घी लिया है, आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और अजवाइन डालेंगे। अब इसमें हम हींग डाल देंगे। ये मैंने टमाटर और अदरक को मिक्सी में चर्न कर दिया। अब इस ग्रेवी को हम 3 से 4 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे, घी छूटने तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून छोटा धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, तो इसलिए हम इसे थोड़ा कम रखें। कटी हुई हरी मिर्च, आप देखिए ये टमाटर भुन गए हैं बिल्कुल। अब इसमें धीरे धीरे करते हुए हम दही डालेंगे। दही हम बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो वो फट जाएगा। दही डालकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। दही डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये तैयार हो गई, अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। लेकिन गोभी बहुत हल्के हाथों से मिलाएंगे क्योंकि ये गोभी ऑलरेडी कुक्ड है। अब हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब ये हमारी गोभी तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आधा टीस्पून गरम मसाला और इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, बाकी का हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। अब हम इसे सर्विंग डिश में डाल देंगे। अब हम इसे गार्निश करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा बीट किया हुआ दही डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा हरा धनिया और ये अदरक के लच्छों से डेकोरेट करेंगे। ये हमारी अब फ्राइड गोभी बनके तैयार है। ये आप इसे गर्मा गर्म लच्छा पराठा, पूड़ी या सिंपल चपाती किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, ये आपकी पार्टी के लिए भी हिट रहेगी और ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ये तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए सफिशेंट है। गोभी इस्तेमाल करने से पहले गर्म पानी में नमक डालकर भिगो कर रखें, इससे इसमें कोई भी कीड़े वगैरह होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। फिर साफ पानी से धोकर तब इस्तेमाल करें। गोभी हमेशा फ्रेश और साफ ही यूज में लाएं।
इसे आप अब घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी देख पाएं। थैंक यू।